स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंशु टेक स्टडी। मैं हूं अंशु आनंद और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के मेथड्स। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट। मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था मेथड्स जो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने के, तो इस वीडियो में फिर से मैं वही चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके छूट गए हैं, तो पिछली वीडियो आप देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर लें। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। तो मेथड जो मैं चर्चा किया था पीछे, ये जो को प्लानर और कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम को जो है रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है इनका, ठीक है। कोई भी जो है को प्लानर सिस्टम है फोर्स का या कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, इनका रिजल्टेंट देखिए दो तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। पहला मेथड जो है वो है एनालिटिकल मेथड। क्या है ये? एनालिटिकल मेथड से फाइंड आउट किया जाएगा। दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। पहला एनालिटिकल, दूसरा ग्राफिकल। एनालिटिकल में जो है थ्योरेटिकली जो है पेन पेपर से सॉल्व किया जाएगा, इसमें जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए जाएंगे, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड में जो है इसमें ग्राफिक्स वगैरह फिगर वगैरह बना के इससे जो है रिजल्टेंट फाइंड आउट किया जाएगा। तो पैरेललोग्राम की बात करें, पहला जो है मेथड है एनालिटिकल मेथड में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, समांतर चतुर्भुज का नियम है बलों का, ठीक है। ये दो फोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा मेथड है मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, बहुत सारे इसमें मेथड आते हैं, ये दो से अधिक फोर्सेस के लिए मैक्सिमम यूज किए जाते हैं, ठीक है। ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस देखिए ग्राफिकल मेथड है एक तरह का, इसमें देखिए दो फोर्सेस के ही रिजल्टेंट फाउंड आउट कर सकते हैं इस नियम से, ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस में, ठीक है। पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस की बात करें तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, दो से अगर ज्यादा फोर्स किसी सिस्टम पे वर्क कर रहे हो तो वहां पे पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फनिकुलर लॉ ऑफ पॉलीगन जो है ये जो है इसमें अगर बहुत सारे फोर्स अगर किसी एक अलग अलग पॉइंट्स पे वर्क कर रहे हो, जैसे पुली वगैरह पे बहुत सारे पॉइंट पे अगर वर्क कर रहे हैं फोर्स, तो वहां पे फनिकुलर पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस वहां पे अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली हम जो है ज्यादा डीपली जाने वाले नहीं है, हम ऊपर ऊपर ही अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे हम ग्राफिकल मेथड की पहले चर्चा करेंगे। ग्राफिकल मेथड्स मैंने बताया था क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस की, तो ये त्रिभुज का नियम है, ठीक है, बलों के त्रिभुज का नियम है ये, इसको कहते हैं। तो इसमें अगर मान जाइए कि ये फोर्स एफ दिया है, एफ वन, मान जाइए ये फोर्स है, ये दो तरह के फोर्स के वेक्टर दिए हुए हैं, ये एफ वन हो गया और ये क्या है एफ टू फोर्स हो गया। अगर इसका जो है अलग अलग दिया है, अब पूछ दे कि इन दोनों का अगर किसी सिस्टम पे लग रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट अगर फाइंड आउट करना होगा तो हमें क्या है प्रोटेक्टर वगैरह की मदद से हमें क्या होगा पैरेलल लाइंस खींचने का पहले अभ्यास करना होगा, ठीक है। इसमें पैरेलल लाइन आपको खींचने आ गया तो आप जो है ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस जो है अच्छे से हल कर पाएंगे। तो अगर आप पैरेलल इसके खींचेंगे, एफ वन के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे इस तरह से होती हुई, एफ वन हो गया और F2 को इसी तरह से मिलाते हुए यहां पे खींच देंगे, ठीक है। तो अगर इसका जो है अगर हम बात करें इन दोनों का रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट जो है अगर ये सिरे को मिला दें डैश डैश करके यहां से यहां तक, तो यही क्या हो जाएगा यहां से यहां तक वेक्टर, ये इसका रिजल्टेंट फोर्सेस हो गया, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया और इसका रिजल्टेंट R हो गया। तो अगर इसे फार्मूले की बात करें तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू होता है एफ वन प्लस एफ टू। ये फार्मूले से जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना जो है फोर्स जो है रिजल्टेंट फोर्स यहां पे फाइंड आउट करने का, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू। समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहां पे है पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे, ठीक है। पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस कब अप्लाई किया जाएगा, जब वहां पे दो फोर्सेस से ज्यादा वहां पे फोर्स सिस्टम में वर्क कर रहे हैं। तो सपोज ये देखिए यहां पे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, यहां पे देखेंगे आप तो यहां पे दो या दो से ज्यादा है, यहां पे देखिए चार फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, एफ वन एफ टू एफ थ्री और एफ फोर, एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर, चार फोर्स यहां वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पे हमें क्या करना है, सिमिलरली जैसे मैंने ट्रायंगल में पैरेलल लाइंस खींचा था तो उसी तरह से यहां पे खींचना है, ठीक है। सपोज ये देखिए F1 जो है फोर्स यहां पे तो रहेगा ही, इस तरह से लाइन आप अलग से खींचेंगे, ठीक है। अब दूसरा फोर्स देखेंगे F2 जो है ये गया है सीधे एकदम, तो
तो उसी के पैरेलल लाइन यहां से मिलाते हुए एक जो है F2 के पैरेलल लाइन खींच देंगे यहां तक, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, F3 जो फोर्स है, F3 देखिए ये हल्का सा झुका हुआ है ये सीधे, ठीक है, इसी के पैरेलल हम क्या है मिलाते हुए F3 नीचे की ओर खींच देंगे। तो ये जो खींचना है हमें प्रोटेक्टर वगैरह की मदद से खींचना होता है, ठीक है। तो आपको पैरेलल लाइन खींचने के लिए जो है टूल्स वगैरह रखने होंगे। F4 फोर्स की बात करें, ये नीचे की तरफ लगा है, तो यहाँ पे जो है F4 ये देखिए इसी के पैरेलल हम यहाँ पे F3 से मिलाते हुए खींच देंगे। जहां पे ये F4 खत्म हो रहा है, ये मिड पॉइंट को इस लास्ट वाले पॉइंट से हम मिला दिए, तो ये R जो है रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। तो अगर हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करें, रिजल्टेंट फोर्स की अगर पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस में, तो R इक्वल टू हम कह सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ठीक है। ये हो गए चारों क्या है, ये फोर्सेस का रिजल्टेंट हो गया, R इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। इस तरह से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स एनालिटिकल मेथड की। तो यहाँ पे जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ये जो है अप्लाई किया जाता है दो फोर्सेस के लिए। सपोज हम कर लेते हैं यहाँ पे F1 और F2 दो फोर्सेस हैं, यहाँ पे F1 और ये F2 दो फोर्सेस हैं, थीटा डिग्री पे ये क्या है एक दूसरे पे अप्लाई हो रहे हैं थीटा डिग्री पे, ठीक है। तो अगर यहाँ का रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो रिजल्टेंट बीच से जाएगा आर, तो अगर इसको हम मिलाएं यहाँ पे, ठीक है, मिला दें इस तरह से, तो यहाँ पे क्या है एक तरह से ये अल्फा डिग्री पे रिजल्टेंट इसका F1 से झुका हुआ है। इस लाइन को आगे बढ़ाएं और ये ऊपर वाली पॉइंट से यहाँ पे क्या करें परपेंडिकुलर डाल दें एक, तो ये क्या हो जाएगा एक तरह से ये इसी से जो है इसके बाद जो है इसको डिराइव किया जाता है। तो मैं डिराइव करूंगा नहीं इस वीडियो में क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत ज्यादा लंबा, तो यहाँ पे मैं सीधे फार्मूले से चलूंगा। तो अगर आप डिराइव करेंगे इसमें तो यहाँ पे रिजल्टेंट इक्वल टू पाएंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये आपका डेराइवेशन करने के बाद निकल के आएगा, ठीक है। तो R इक्वल टू यहाँ पे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा है, तो यहाँ पे आप जो अगर थीटा इक्वल टू अगर F1 और F2 के बीच का जो एंगल है F1 है F2 के बीच का जो एंगल है थीटा इक्वल टू अगर जीरो डिग्री ले लें तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे cos जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ वन हो जाएगी, तो cos थीटा जहाँ होगा वहां वन रख देंगे, तो R इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2। इस तरह से ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे हो गया। इस तरह से R इक्वल टू क्या लिख देंगे F1 प्लस F2, अगर बाहर निकाल देंगे तो R इक्वल टू F1 प्लस F2 हो जाएगा। कैसे हुआ है, क्योंकि ये जो है ऊपर वाला F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में है, तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो F1 प्लस F2। जब जीरो डिग्री कोई एंगल वहां पे ना बन रहा हो थीटा इन दोनों के बीच में, अगर हम बात करें F1 और F2 के बीच में, F1 और F2 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा हो थीटा इक्वल टू 90 है डिग्री, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा जीरो, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा वहां पे जीरो। तो यहां पे अगर रखेंगे R इक्वल टू वहां पे cos थीटा के पे जीरो रख दें तो R इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में। अगर F1 F2 के बीच में जो एंगल है यहां पे बन रहा है स्टूडेंट्स थीटा इक्वल टू बन रहा है 180 डिग्री का, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन, क्योंकि cos 180 की वैल्यू होती है माइनस वन। तो यहाँ पे माइनस वन अगर आप रखते हैं तो R इक्वल टू क्या यहाँ पे निकल के आने वाला है स्टूडेंट्स, R इक्वल टू अगर यहाँ cos थीटा इक्वल टू माइनस वन रखिए तो यहाँ पे हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2, ठीक है। और उस तरह से जो अगर आप इसको हल करेंगे आगे F1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे F2 का होल स्क्वायर, तो R इक्वल टू लिख देंगे F1 माइनस F2, F1 माइनस F2, ठीक है। ये तीन फार्मूले हो गए, फर्स्ट ये हो गया ये वाला R इक्वल टू F1 प्लस F2 जब थीटा बराबर जीरो हो, R इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर जब थीटा इक्वल टू 90 हो, और R इक्वल टू F1 माइनस F2 जब थीटा इक्वल टू 180 हो।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अगर ये क्लियर हुआ हो तो। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, सिर्फ ये दो फोर्सेस के लिए अप्लाई होगा स्टूडेंट्स, ध्यान में रखिएगा। अब हम साइन लॉ की बात करें तो इस लॉ के अनुसार अगर मान लेते हैं ये एक तरह का फोर्स सिस्टम हो, एक दूसरे क्या हो, ये यहां मान लेते हैं एफ वन फोर्स है, ये ले लेते हैं एफ टू फोर्स लग रहा है यहां पे, और इधर क्या है एफ थ्री फोर्स, इस तरह से फोर्स यहां पे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तीनों फोर्स जो है इस आर्म्स पे लग रहे हैं, और F1 और F2 के बीच का हम अगर नहीं F2 F3 के बीच का एंगल अगर हम मान लें अल्फा, और F1 और F3 के बीच का एंगल हम मान लें बीटा, और ये जो है F1 और F2 के बीच का एंगल जो हम मान लें गामा, तो इस तरह से साइन लॉ के जो है नियम से हम बता सकते हैं, अगर इसका F1 इसका मैग्नीट्यूड जो है पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड और उस मैग्नीट्यूड के सामने वाले का कोण, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ये वाला हो गया, उसके सामने जो है अल्फा एंगल बन रहा है, तो उसका जो है हम क्या लेंगे साइन लेंगे, साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा दूसरे जो है दूसरा फोर्स जो है उसके सामने जो एंगल है उसका साइन एफ टू अपॉन साइन बीटा, एफ टू अपॉन साइन बीटा इक्वल टू हम क्या कर देंगे तीसरा फोर्स एफ थ्री है, एफ थ्री के सामने वाला एंगल क्या है गामा है, तो उसका साइन क्या हो जाएगा एफ थ्री अपॉन साइन गामा, ये रेशियो हो गया साइन लॉ की। तो ये जो है बहुत जगह यूज होगा जहां पे फोर्सेस लगे हो, ठीक है, ये अगर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस हो तहां पे भी यूज कर सकते हैं, ये कोप्लानर फोर्सेस के लिए भी अप्लाई हो सकता है साइन लॉ। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, ये जो है साइन लॉ बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है न्यूमेरिकल्स वगैरह में, तो आप जो है इसको ध्यान से इसको नोट कर लेंगे साइन लॉ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब अगर हम बात करें कोसाइन लॉ की, तो यहाँ पे कोसाइन लॉ भी जो है दो फोर्सेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे दो फोर्सेस अगर किसी सिस्टम में वर्क कर रहे हो, अगर दो फोर्सेस सिर्फ किसी सिस्टम में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कोसाइन लॉ अप्लाई करते हैं। तो कोसाइन लॉ के अगर हम नियम से देखें तो कोसाइन लॉ कहता है कि अगर जो है यहाँ पे जो है सेम टू सेम ये कोसाइन लॉ किसके इक्वल होता है, लगभग जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के ही लगभग लगभग बराबर होता है ये कोसाइन लॉ। तो ये फार्मूला की बात करें तो कोसाइन लॉ अगर ये F1 है ये F2 फोर्स है इसका रिजल्टेंट R है, तो R इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं R F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। तो R इज इक्वल टू अगर हम रिजल्टेंट की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2 F1 F2 cos थीटा जो है यही क्या है कोसाइन लॉ है, क्या है ये कोसाइन ला, R स्क्वायर इक्वल टू होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2 F1 F2 cos थीटा, ये क्या है कोसाइन लॉ है। तो ये जो है कोसाइन लॉ को जो है आप नोट कर लेंगे कोसाइन लॉ है ये। अगर हम बात करें रिजल्टेंट की, ठीक है, रिजल्टेंट इसका हो जाएगा R इक्वल टू हो जाएगा Rx स्क्वायर प्लस Ry स्क्वायर। तो Rx इक्वल टू यहां पे मान लेंगे Rx जो है क्षैतिज Rx इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे R cos थीटा, R cos थीटा। Ry इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे R sin थीटा, ये क्या है R cos थीटा R sin थीटा क्या है, R जो है ये अगर थीटा एंगल बना रहा हो रिजल्टेंट इससे, ठीक है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा R sin R cos थीटा, Rx इक्वल टू क्या हो जाएगा R cos थीटा। Rx मतलब क्या है क्षैतिज जो है कंपोनेंट है इसका, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे तो ये इसका Rx ये हो गया, Ry कुछ इस तरह से वर्टिकल कंपोनेंट जो है Ry हो गया, ठीक है, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। तो Rx इक्वल टू क्या है ये R cos थीटा, Ry इक्वल टू क्या है R sin थीटा। इस तरह से हम कंपोनेंट तोड़ते हैं किसी भी फोर्स के लिए, अगर मान जाइए ये फोर्स लगा है ये, ठीक है, अगर ये जो है थीटा डिग्री पे झुका हुआ हो तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक्स एक्सिस पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसका एफ कॉस थीटा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स ये जो है आपको ध्यान रखने की जरूरत है कैसे हम कंपोनेंट इसके तोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस।
ठीक है, तो यही जो मैंने पीछे डिस्कस किया था इसको फिर से हम डिस्कस कर देते हैं एक बार। कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस, मान लेते हैं यहां पे कोई फोर्स क्या है एफ अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक, और किसी जो है फोर्स का जो है रिजल्टेंट फोर्स एफ है, जो ये जो है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एफ एक्स जो है एक्स एक्सिस पे एफ एक्स और वाई एक्सिस पे एफ वाई। ठीक है, जो एफ एक्स है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स का, मतलब क्षैतिज कंपोनेंट है, और एफ वाई जो है वो ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल कंपोनेंट है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ कॉस थीटा, और एफ वाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं एफ साइन थीटा। तो अगर हम बात करें एक एफ बी डी की, फ्री बॉडी डायग्राम की, तो अगर ये यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है ये एफ फोर्स है, तो यहाँ पे एफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एफ साइन थीटा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये वाला जो भुजा हो जाएगी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। ये जो है यहाँ पे क्या है, ये रिजल्टेंट फोर्स है एफ, उसके दो कंपोनेंट होंगे एफ एक्स और एफ वाई। एफ एक्स क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एफ वाई क्या है वर्टिकल कंपोनेंट। एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा, एफ वाई बराबर एफ साइन थीटा। ये आपको रिमेंबर करने हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आने वाले प्रॉब्लम्स में। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का स्टूडेंट्स, ये है लामिश थ्योरम। लामिश थ्योरम जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है लामिश थ्योरम थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस पे अप्लाई की जाती है, जब कोई बॉडी जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर कोई बॉडी है तो वहां पे जो है लामिश थ्योरम अप्लाई की जाएगी, अगर उस सिस्टम में जो है फोर्सेस क्या हो, कॉन्करेंट फोर्सेस हो। अगर तीन कॉन्करेंट फोर्सेस पे ही ये अप्लाई कर सकते हैं, ये दो से ज्यादा के लिए है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं एफ वन एफ टू और एफ थ्री तीन फोर्सेस हैं, एक दूसरे से क्या है अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहे हैं, तो एफ वन एफ थ्री के बीच में यहाँ पे बीटा एंगल है, एफ टू एफ थ्री के बीच में यहाँ अल्फा एंगल, और एफ वन एफ टू के बीच में यहाँ गामा एंगल। तो ये इसके अनुसार है, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस द ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर्स टू। तो अगर हम बात करें इस नियम की, तो एफ वन अगर फोर्स की बात करेंगे तो अदर टू के एंगल कितना बन रहा है, अदर टू फोर्स है एफ टू और एफ थ्री, इनके बीच का एंगल अल्फा है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा साइन अल्फा। मतलब क्या है, इच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर्स टू। एफ वन फोर्स है और उसके अलावा अदर्स फोर्स कौन सा है एफ टू और एफ थ्री, ये किसके प्रोपोर्शनल है साइन अल्फा के, क्या है साइन अल्फा के, क्योंकि एफ टू और एफ थ्री के बीच में अल्फा एंगल बन रहे हैं। ठीक है, और एफ टू अपान की बात करें, एफ टू की बात करें, तो एफ टू के अलावा कौन कौन से फोर्स है एफ वन और एफ थ्री, इनके बीच का एंगल क्या है बीटा, तो उसका साइन क्या हो जाएगा साइन बीटा, तो एफ टू अपान साइन बीटा। उसी तरह से यहाँ पे एफ थ्री फोर्स है यहाँ पे, ठीक है, उसके सामने जो है दो फोर्स बचे एफ वन और एफ टू, और उनके बीच का जो एंगल है गामा, तो यहाँ पे एफ थ्री अपान क्या हो जाएगा उसका साइन गामा। इस तरह से ये हो गया लामिश थ्योरम, इसको जो है आप ध्यान में रखिए और ये नोट कर लीजिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लामिश थ्योरम की डिफिनेशन भी आप जो है नोट कर लेंगे, या फिर अगर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको बाद में देखना है तो। इसी लास्ट स्लाइड के साथ ये वीडियो मेरा समाप्त होता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें स्टूडेंट्स, और लाइक कर दें इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि हमारे साथ जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और हम बेनिफिट प्राप्त कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।